शायद ही आपके पास आखिरी मौका हो सकता है टू बाय ए डिसेंट 2 BHK फ्लैट इन पुनावले लोकेशन विद इन 55 to 60 lakhs बजट, वो भी MyOne कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें सारी MTs आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने 20% प्राइस एप्रिसिएशन देखा है सिर्फ 18 मंथ्स में, एंड नेक्स्ट 18 मंथ्स में आराम से यहाँ पे 20 से 25% का प्राइस एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। जिस विसिनिटी में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है वहाँ पे अगर मैं रेंटल इनकम की बात करूँ तो 1 BHK के लिए 15-16,000 का रेंट चल रहा है, 2 BHK के लिए 20 से 22,000 का रेंट यहाँ पे चल रहा है। तो आप ही देख लीजिए, यहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने का मौका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हीरानंदानी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पुणे के पुनावले लोकेशन से, जहां पे स्टाइलिश 2 BHK एंड 1 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। क्विकली प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेंगे। 4.5 acres के फ्री होल्ड ग्रैंड लैंड पार्सल पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जहां पे सिर्फ 3 high-rise टावर्स रहने वाले हैं। 2 levels ऑफ बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर पे आपको कवर्ड कार पार्किंग्स दी जाती है, उसके ऊपर 23 floors ऑफ रेजिडेंशियल फ्लोर्स आपको दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सारी की सारी MTs दी जाती है, 40+ MTs आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगी। स्विमिंग पूल, बॉलिंग एले, स्क्वैश कोर्ट जैसी प्रीमियम लाइफस्टाइल MTs भी आपको यहाँ पे दी जाती है। प्लस रूफ टॉप पे आपको पेविलियन एरियाज दिया जाता है, जहाँ से आप सनराइज एंड सनसेट भी प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं। पोजीशन की बात करूँ तो सितंबर 2025 में इसका पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 18 मंथ्स में इसका पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट महारेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी लिटिगेशन नहीं है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का महाड़ा का टावर कम्प्लीटली सेपरेट आपको दिया जाता है, जिसका एंट्री एग्जिट कम्प्लीटली सेपरेट यहाँ पे रखा गया है। क्विकली कारपेट एरियाज भी आपको बता दूंगा। 1 BHK यहाँ पे आपको 482 square feet के मिल जाते हैं, 2 BHK फ्लैट्स आपको 670 square feet से लेकर 700 square feet कारपेट के देखने को मिल जाते हैं। प्राइजेस हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। अगर आप पुणे की बेस्ट से बेस्ट वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो जरूर करें। व्हाट्सएप चैनल पर हम लोग रेगुलर बेसिस पे न्यू लॉन्च रिलेटेड अपडेट्स भेजते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। चलिए क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर कर लेंगे। 671 स्क्वायर फीट का 2 BHK का सैंपल यहाँ पे रेडी है, इसका टूर हम कर लेंगे। आप जैसे ही फ्लैट के पास में आते हो आपको हर एक फ्लैट के बाहर डेडिकेटेड आंगन स्पेस भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप चाहे तो शू रैक प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस मेन डोर से जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको अंदर की तरफ भी एंट्रेंस लॉबी हर एक फ्लैट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्लैट के पास में जैसे ही आप आते हो आपको 1 touch का वीडियो डोर फोन यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जाता है। प्लस मेन डोर के साथ आपको डिजिटल लॉक भी, 1 touch का ब्रांडेड डिजिटल लॉक भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेन डोर जो है ये आपको वाइड मेन डोर देखने को मिल जाते हैं, तो आपको फर्नीचर मूवमेंट करने के लिए भी काफ़ी ईज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सभी जो डोर्स है ये राउंडेड एजेस वाले डोर्स है। प्लस रबर गैसकेट की पैडिंग भी करके दी जाती है, एंड कुछ इस तरीके से आप आपके फ्लैट में एंटर कर सकते हो डिजिटल लॉक को एक्सेस करके। आ जाइए मेन डोर से, आप जैसे अंदर आते हो आपको एक डिसेंट साइज़ की एंट्रेंस लॉबी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप प्रॉपरली शू रैक की अरेंजमेंट कर सकते हो आप चाहे तो अंदर की तरफ। प्लस डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स भी ऊपर की तरफ प्रॉपरली लगा सकते हो। आ जाइए, जैसे आप अंदर आते हो एंट्रेंस लॉबी से आपको रेक्टेंगुलर शेप का एक डिसेंट साइज़ का लिविंग डाइनिंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ तो डाइनिंग पोर्शन आपको कम्प्लीटली सेपरेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक छोटा सा इसे लेकिन डिसेंट साइज़ का आपका डाइनिंग पोर्शन यहाँ पे 4-seater का आप प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे एक बार आप टाइल्स देख लीजिए, कुछ इसी तरीके की आपको 4x2 साइज़ की डिज़ाइनर टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ लिविंग पोर्शन की तो यहाँ पे आप प्रॉपरली आपका कुछ इस तरीके का आपका एल शेप में सोफ़ा यूनिट प्रॉपरली रख सकते हो, बीच में सेंटर टेबल रख सकते हो। आप चाहे तो कुछ इस तरीके से एडिशनल काउचेस या चेयर्स यूनिट आप यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस भी मिल जाती है। एंड सामने की तरफ वॉल माउंटेड आप टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको बटन्स डेवलपर्स पहले से इंस्टॉल कर सकते दे रहे हैं। एंड बेस्ट बात है लिविंग पोर्शन के साथ आपको कंपलसरी अटैच्ड एंड कवर्ड बालकनीज भी देखने को मिल जाती है। उसे एक्सेस देखने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 1 touch का वीडियो डोर फोन इंस्टॉल करके दिया जाता है, तो आप आपके किचन पोर्शन में हो या फिर डाइनिंग पोर्शन में हो या फिर आप आपके लिविंग पोर्शन में बैठे हो तो बाहर आपके जो भी विजिटर्स हैं उन्हें आप यहाँ पे मॉनिटर प्रॉपरली कर सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको वीडियो डोर फोन इंस्टॉल करके दिया जाता है। आइए क्विकली बालकनी पोर्शन भी चेक कर लेंगे। स्लाइडिंग डोर्स को एक्सेस करके आप बालकनी पोर्शन में आ सकते हो। एक डिसेंट साइज़ की आप देख लीजिए बालकनी पोर्शन अटैच्ड आपको लिविंग पोर्शन के साथ दी जाती है, जो प्रॉपरली ऊपर से आपको कवर्ड मिलेगी। प्लस आपको एक स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट भी बिल्डर्स बाहर की तरफ इंस्टॉल करके दे रहे हैं। टफन ग्लास का रेलिंग का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे डेवलपर्स करके दे रहे हैं। ये आपको 4 feet हाइट का प्रॉपरली मिलेगा, जहाँ से प्रॉपर व्यू वेंटिलेशन आप बाहर का एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। आ जाइए डाइनिंग पोर्शन से जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे आ जाता है आपका किचन एरिया। आ जाइए मैं आपको क्विकली किचन एरिया दिखाना चाहूँगा। एक अच्छे साइज़ के आपको किचन एरियाज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, विथ एल शेप प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको किचन एरियाज दिए गए हैं।
प्रॉपरली आप आपके यहाँ पे अप्लायंसेस की अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में डबल डोर का रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल आ जाएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। कुछ इस तरीके से आप आपके मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ऊपर ओवरहेड कैबिनेट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी इनफ स्पेस आपको मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का एक चिमनी यूनिट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। कुकटॉप आपको यहाँ पे रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। ये आ जाता है आपका सर्विस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मल्टीपल स्विच बोर्ड्स आपको डेवलपर्स करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर अगर आपको रखना है तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको एनक्लोज ड्राइव बालकनीज डेवलपर्स करके दे रहे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग वॉल्स के साथ आपको सेपरेट आउट ड्राइव बालकनी प्रॉपरली करके दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी सी विंडोज आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपको किचन पोर्शन में यहाँ से आता रहेगा। यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से वाटर प्योरीफायर का इंस्टॉलेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। प्लस आपको ड्राई बालकनी में काफ़ी स्पेस मिल जाती है, आप चाहे तो डिश वॉशर एक तरफ इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तरफ वॉशिंग मशीन कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको आपके ड्राई बालकनी में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। प्लस यहाँ पे आप देख लीजिए आपको एडिशनल स्पेस अलग से मिल जाती है, तो आप मंदिर यूनिट, टेम्पल यूनिट का एक अलग से यहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पे आपके इंटीरियर्स में प्रॉपरली कर सकते हैं। आ जाइए डाइनिंग पोर्शन से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। आपको इस तरफ बेसिन बाहर की तरफ मिल जाता है, प्लेटफॉर्म माउंटेड एक डिज़ाइनर बेसिन स्पेस मिल जाता है। एंड अंदर की तरफ आप देख लीजिए, ये आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसमें आपको इस तरफ वॉल माउंटेड कमोड स्पेस मिल जाता है। एंड इस तरफ आ जाता है आपका बेडिंग स्पेस एंड डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स दिए जाते हैं। सीपी वेयर, सैनिटरी वेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको प्रीमियम सीरीज़ के जैगवार कंपनी के ब्रांडेड ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आइए बढ़ते हैं किड्स बेडरूम की तरफ, आ जाइए। इस तरफ आपको 10x10 साइज़ का एक डिसेंट साइज़ का आप देख लीजिए किड्स बेडरूम देखने को मिल जाता है। प्लस आपको एक और बेस्ट बात है, एडिशनल वार्डरोब स्पेस आपको यहाँ पे किड्स बेडरूम में देखने को मिल जाती है, जो 4.2x2 साइज़ का है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो आपका किड्स के हिसाब से जो वार्डरोब यूनिट का अरेंजमेंट है, ये आपका प्रॉपरली अंदर वॉल की अंदर ही चला जाएगा। एंड बाकी का जो स्पेस है 10x10 साइज़, ये आपके किड्स के लिए आप बेड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, टॉय सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, स्टडी टेबल लगा सकते हो, उस हिसाब से आप प्रॉपरली उसकी अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हो। एंड एक अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के हिसाब से विंडोज़ किड्स बेडरूम में दिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ, आ जाइए। यहाँ पे आप जैसे ही आते हो आपको 11x10 साइज़ का मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाता है, अगेन जिसमें भी आपको एक एडिशनल स्पेस मिल जाती है। तो आप चाहे तो वर्क फ्रॉम होम स्पेस यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर ड्रेसिंग यूनिट की अरेंजमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके से आप एक शेल्फ पोर्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको स्पेस मिल जाती है। कुछ इस तरीके का आप एक क्वीन साइज़ का बेड ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बेड के अपोजिट अगर आपको टीवी यूनिट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी पॉइंट्स पहले से डेवलपर्स दे रहे हैं। यहाँ पे बड़े साइज़ की आपको विंडोज़ की अरेंजमेंट मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन यहाँ से आपको आपके मास्टर बेडरूम में मिलता रहेगा। ये जो डोर है मास्टर बेडरूम का डोर, इसके पीछे आपको काफ़ी अच्छे से स्पेस मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छे साइज़ का आप बड़ा सा वार्डरोब यूनिट आपके मास्टर बेडरूम में इस तरफ लगा सकते हो आराम से। और यहाँ पे आ जाता है आपका मास्टर वॉशरूम, आइए क्विकली इसे चेक करेंगे। अगेन यहाँ पे भी देख लीजिए, प्लेटफॉर्म माउंटेड डिज़ाइनर बेसिन स्पेस, ये वॉल माउंटेड कमोड स्पेस, और यहाँ पे आ जाता है आपका बेडिंग स्पेस। तो अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, एंड जैगवार कंपनी के प्रीमियम सीरीज़ के सीपी वेयर, सैनिटरी वेयर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। आ जाइए आप बढ़ते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्टाइलिश 2BHK फ्लैट देखने को मिल जाता है। 671 स्क्वायर फीट कारपेट का ये सैम्पल फ्लैट रेडी है, इससे थोड़ा बड़ा कारपेट चाहिए तो 700 स्क्वायर फीट तक यहाँ पे 2BHK फ्लैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सैम्पल फ्लैट पसंद आया होगा। चलिए क्विकली प्राइसिंग एंड साइजिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 1BHK 482 स्क्वायर फीट के यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग 45 लाख रखी गई है। एंड 2BHK फ्लैट 670 स्क्वायर फीट से लेकर 700 स्क्वायर फीट कारपेट के यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 62 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी गई है। प्राइजेस नेगोशिएबल है, आपको बेस्ट प्राइस डील hallroomkitchen.com की तरफ से डेफिनेटली मिल जाएगी। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट जरूर करें। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा डिले ना करें, ज़्यादा ना सोचें, बस प्रॉपर्टी लेने का आप मन बना लीजिए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी सब आप हम पे छोड़ दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।